नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टूट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, यदि स्त्री का ये चीज को पकड़ लेते हैं तो आप हो जाओगे बर्बाद, आपका जीवन बदल जाएगी नरक में। अगर स्त्री का ये चीज को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर स्त्री का कौन सा चीज को पकड़ना नहीं चाहिए? हर पुरुष को स्त्री का कौन सा चीज को नहीं पकड़ना चाहिए? क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? मैं सारे कुछ आपको इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, हमारे शास्त्र कहता है, हमारे जो आचार्य चाणक्य जो थे उनका कहना है, यदि आप स्त्री का ये चीज को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका जीवन नरक में तब्दील हो जाएगा और आप कंगाल बन जाएंगे। आपके घर में कर्ज की वृद्धि होगी, ऋण का वृद्धि होगी, धन के लिए आप ललायित रहेंगे। आपके घर में धन की बरकत नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, यदि आप औरत का ये चीज को पकड़ लेते हैं तो। आखिर स्त्री का कौन सा चीज को नहीं पकड़ना चाहिए? क्योंकि स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, स्त्री को एक घर में एक लक्ष्मी का प्रतीक के रूप में माना गया है, इसीलिए स्त्री को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप स्त्री को अपमान करते हैं तो आपका स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, उसके जगह में आपको नरक में आपको जगह मिलेगी और आपका जीवन पूरी तरह से नरक हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी पहली बात ये जान लीजिए, सबसे पहली बात, स्त्री का दो चीज कभी देखना नहीं चाहिए इंसान को। आखिर कौन सा चीज को नहीं देखना चाहिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री का कौन सा चीज को आपको पकड़ना नहीं चाहिए। तो मित्रों, स्त्री जब भी अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, बच्चे को अपने बच्चे को पेट भरने के लिए दूध को जब पिलाती है, तो उस समय में स्त्री का स्तन को कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पाप कर्म होता है, ये हमारे शास्त्र कहता है। यदि कोई स्त्री अगर आपका नहा रही है, चाहे बाथरूम में हो, चाहे कहीं भी हो, नदी में हो या तालाब में अगर नहाती है, तो छुप छुप कर स्त्री का अंग को कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन जो है नरक में तब्दील हो जाएगी, आपका जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलेगी और आप हमेशा धन के लिए पूरी तरह से आप परेशान रहेंगे, कर्ज का वृद्धि होगी, व्यापार में हानि होगी, उसके साथ साथ में आपका जीवन एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप अपना जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मित्रों, इसीलिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और स्त्रियों के प्रति हमेशा सही विचार रखना चाहिए, हमेशा जो है शुद्ध विचार रखना चाहिए। स्त्री के साथ में कभी भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर में माता लक्ष्मी की अभिश्रापित हो जाएगी और आपका जीवन जो है बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूं, इस शास्त्र के मुताबिक हमारे चाणक्य नीति के कहने के अनुसार, हमारे आप सभी जानते हैं कि हमारे चाणक्य नीति के अनुसार चाणक्य जी कितने बड़े विद्वान थे, समाज से लेकर के आपके अर्थव्यवस्था से लेके सारे चीज का विश्लेषण उन्होंने दिया है। एक नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, एक नारी को कैसे आपको घर में रखना चाहिए, ये सारे चीज को बताया गया है, उनके उपदेश को हमें पालन करना चाहिए। लेकिन यदि आप गलत काम करते हैं और स्त्री का ये चीज को अगर आप हमेशा पकड़ते हैं तो निश्चित तौर से जो है माता काली की क्रोध जो है आप बढ़ जाएगी और आपका जीवन जो है नरक में बदल जाएगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि स्त्री का ये चीज को कभी मत पकड़ना। तो आखिर कौन सा चीज को नहीं पकड़ना चाहिए?
तो ये रात में जब भी आप स्त्री के साथ में प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, स्त्री का जो कभी भी उसकी नाभि को नहीं पकड़ना चाहिए। उसके नाभि के अंदर में रात के समय में माता काली की वास होती है, और माता काली अगर रुष्ट हो जाएगी तो आपका जीवन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो है स्त्री का नाभि को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। ये चीज भूल कर भी इसका काम मत कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।